गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई विल टीच यू फर्स्ट लेसन इन इंग्लिश सब्जेक्ट, मी एंड माई फैमिली। मी का मतलब होता है मैं, माई फैमिली का मतलब मेरी फैमिली। हेलो, ये जो बॉय है ये आपको हेलो बोल रहा है। हेलो, आई एम ऋषभ। ये बॉय कह रहा है मैं ऋषभ हूँ। आई एम अ बॉय। ये ऋषभ जो है बोल रहा है मैं बॉय हूँ। आई एम 6 years old। ऋषभ जो है 6 years old है। आई लिव इन लखनऊ। ऋषभ लखनऊ में रहता है। आई एम इन क्लास फर्स्ट। ऋषभ क्लास फर्स्ट में पढ़ता है। माई स्कूल नेम इज करण पब्लिक स्कूल। ऋषभ की स्कूल का नाम क्या है? करण पब्लिक स्कूल। आई गो टू स्कूल बाय बस। ऋषभ जो है अपनी स्कूल कैसे जाता है? बस में बैठकर जाता है। तो इस ऋषभ ने अपने बारे में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है कि भाई मैं ऋषभ हूँ, मैं बॉय हूँ, 6 years old हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, क्लास फर्स्ट में पढ़ता हूँ, स्कूल का नाम करण पब्लिक स्कूल है और ये बस से जाता है। अब ये ऋषभ जो है अपनी सिस्टर के बारे में बता रहा है, ठीक है। शी इज कनक। ये जो लड़की है ये कौन है? कनक। और ये ऋषभ की सिस्टर है, ठीक है। शी इज अ गर्ल। यह लड़की है। शी इज माई सिस्टर। यह मेरी बहन है। किसकी बहन है? ऋषभ की बहन है। शी इज 4 years old। यह कितने साल की है? 4 years old। 4 years की है। कौन है ये? ऋषभ की सिस्टर। शी स्टडीज इन नर्सरी। ये जो गर्ल है ये नर्सरी क्लास में पढ़ती है। द नेम ऑफ हर स्कूल इज DAV पब्लिक स्कूल। इसकी स्कूल का नाम क्या है? DAV पब्लिक स्कूल। यह DAV पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। शी गोज टू स्कूल विथ अवर मदर। ये स्कूल कैसे जाती है? देखो, ऋषभ तो अपनी बस में बैठ के जाता है, ठीक है, स्कूल बस में जाता है, लेकिन उसकी जो सिस्टर है उसकी मम्मा उसको स्कूल छोड़ने जाती है। ओके, तो मी एंड माय फैमिली में आज का इतना ही टॉपिक है। ऋषभ ने देखो अपने बारे में बताया और ऋषभ ने अपनी सिस्टर के बारे में बताया। ओके, थैंक यू।